कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा हो। अरे दीदी, ये तुम्हारी बेटी है ना? फरक, एक बात कहूँ प्लीज, बुरा मत मनाना। कबीर ने तुम्हें डिवोर्स दे दी और तुम इसे साथ ले आई। कितनी बेवकूफ हो तुम। मर्द तो आजाद हो जाता है, वो दूसरी शादी कर लेगा। जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो गई ना। अब देखो ना, सारी जिंदगी तुम इसे पालती रहोगी, ना कहीं आ सकोगी ना कहीं जा सकोगी, मफलूज हो जाओगी तुम। और फिर तुम्हारा करियर, वैसे फलक, तुमने डिवोर्स के बाद कबीर से कुछ लिया भी है या नहीं? क्या लेना था, उसके पास है ही क्या? ओह माय गॉड फलक, यू आर सो स्टूपिड। सेटलमेंट में तो अच्छी खासी रकम ली जा सकती थी ना। और तुम्हारा हक में है, वो तो उसने दिया होगा ना तुम्हें? नहीं, मैंने नहीं लिया। क्या, तुमने हक महर भी नहीं लिया? अच्छा, कितना हक महर था? 50 लाख। ओह फलक, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो काम करने वाले थे वो तुमने किए नहीं, और जो नहीं करने वाले थे तुम वो कर चुकी हो। फलक, तुम पहली फुर्सत में उन लोगों से बात करो, अपनी हक महर की रकम निकलवाओ। ये छोटी रकम नहीं है, तुम बहुत कुछ कर सकती हो इन पैसों से। खाली तलाक लेकर बैठ गई हो, कोई फायदा तो हासिल करो। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, जज्बाती होकर आ गई बस। तो पहले पैसे निकलवाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ इन्वेस्ट करने। थैंक यू मारिया, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं वैसा ही करूंगी। मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर वो लोग नहीं मारे तो मुझे बताना। एक बहुत अच्छा लॉयर है मेरे जानने वाला, मैं उसका नंबर तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी, तुम उससे बात कर लेना।